हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को स्वागत है एक और नया ब्लॉग पे। खेत में काम करने के लिए गया हुआ था, घर पे आ गया है, खाना खाने के लिए आया हुआ था तो खाना खा लिया है, बाद में जाऊंगा। अभी जो है ना बारिश गिरना स्टार्ट हो गई है, आज भी दिन भर बारिश गिर रही है। पूरा भीग भीग के मैंने काम किया है, कल भी ऐसा ही शाम को काम किया है भीग भीग के। अभी घर में आने का बाद फिर से जाने का मन नहीं कर रहा है, बारिश में दिखने का मन नहीं कर रहा है। जल्दी आ जाओ। घर जो है ना पूरा गंदा हो गया है, खराब हो गया है, ये सब देख लो। ये साइड में पूरा दिख गया है, ये साइड में, और साथ में ये जो है ना ये भी टूट गया है, ये नया चेंज करना पड़ेगा। और वहाँ पे भी पूरा गंदा है, बारिश गिरते टाइम सब मुर्गी मुर्गा यहाँ पे रहते हैं तो उनकी वजह से ख़राब हो गया है। वहाँ पे दो बैल को छोड़ के रखा है खाने के लिए, शाम को बांध के रख देंगे। ये सब रास्ता जो है ना पूरा ख़राब हो गया है, घर भी ख़राब, रास्ता भी ख़राब, और सब कपड़े यहाँ पे सुखा के रखा है, ये भी ख़राब हो रहा है। अर्जिता ख़राब कर रही है, मारेंगे मारेंगे। अभी नाशपति खा रही है, सिर्फ ये एक बचा हुआ था जो मैं संदे को लाया है ना, वो वाला एक बचा हुआ था। खा लो खा लो खा लो। चाय पीने के लिए भी शुगर नहीं है और साथ में चाय का पत्ता भी नहीं है घर पे। शायद कल मार्केट जाऊंगा बारिश नहीं गिरने से, बारिश गिरने से नहीं जाऊंगा, बारिश नहीं गिरने से मार्केट जाऊंगा कल। घर पे जो है ना अभी सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है। आज अंकल मार्केट गया हुआ है तो उनसे थोड़ा सा सब्जी मंगवा लिया है, बारिश नहीं गिरने से कल जाऊंगा मार्केट। अर्जिता जो है ना एक मिनट भी वो चुप नहीं रहती है, यहाँ वहाँ खेलती रहती है। अर्जित अर्जित हाँ, मैं दो बेल को लेके आया हुआ था बांधने के लिए तो वहाँ पे छोड़ के रख दिया है, बांधा नहीं है। मैं यहाँ पे आ गया है थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए, यहाँ पे बारिश गिरते टाइम सेफ्टी के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं सबके पीछे में प्लास्टिक बांधा हुआ है सेफ्टी के लिए, और सब लोग कैप पहना हुआ है। वहाँ पे तीन लोग हाल से प्लान कर रहे हैं और बाद में फरवा से। अय्या और वहाँ पे अभी ज़्यादा हो गया है धान लगाने वाले, क्योंकि अभी ख़त्म होने वाला है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है इस साइड का, ये सब जो है ना प्लान कर लिया है तो इसलिए सब लोग शायद धान लगाने के लिए चले गए हैं। यहाँ पे ऐसे काम करते हैं सब विलेज के लोग आया हुआ है, उन लोगों का विलेज जो है ना कहाँ पर है, वो ऊपर में है, पार के ऊपर में है, वहाँ से आया हुआ है। लेकिन घास जो है ना ठीक से ये मरा हुआ नहीं है। सब लोग पीछे में ये प्लास्टिक किल्पर लगा के काम कर रहे हैं, मैं लगाता नहीं हूँ। Thank you.
वहाँ पे एक भैया डान बीच लेके आ रहा है, वहाँ से ऊपर से लेके आ रहा है वो। ये घर पे खाना सब्जी बना के खाई है, तो दान लगाते टाइम खाना सब्जी सब पका के खाने के लिए बना के रखा हुआ है ये। कल वो वाला खेत लगाए है और आज ये वाला। वो अंकल आंटी का घर है और वहाँ पे हमारे घर। आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, हमारे मुर्गी यहाँ तक आते हैं घूम के खाने के लिए। स्नो बीबी घर पे गई नहीं है, वहाँ पे सिंची उनको बुला रही है खाना देने के लिए, लेकिन वो गई नहीं है अभी तक। स्नो बे, स्नोवी क्या कर रही है? स्नोवी वहाँ पे देखो, हमारा तीन मुर्गी ये घूम के खा रहे हैं। घर कितना दूर है वहाँ से आते हैं। हाँ थोड़ा सा आप लोगों को मैं ये घर भी दिखा रहता हूँ। अंकल से थोड़ा सा सामान मंगवाया था, वो लेके घर पे जा रहा हूँ। दो बैल को छोड़ के रख दिया है, रस्सी नहीं है बांधने के लिए, तो बाद में रस्सी ढूंढ के बांधना पड़ेगा। और साथ में ये चाय का पत्ता और साथ में शुगर अंकल लांथी से मांग के लेके आ रहा हूँ। घर पे ख़त्म हो गया है, अंकल से मंगवा सकते थे मार्केट से, लेकिन मार्केट भी बहुत दूर है तो लाने में थोड़ा तकलीफ होता है, बाइक में लेके आने में ज़्यादा सामान होने से, तो इसलिए मंगवाया नहीं। ये दुकान में भी मिलता है शुगर, चाय पत्ती नहीं मिलता है शायद, शुगर मिलता है, तो मैंने मंगवाया नहीं ये। और दुकान जाने के लिए भी रास्ता भी ख़राब हो गया है, तो घूम के जाना पड़ेगा, बहुत दूर है घूम के जाने के लिए। स्नोबे अभी आ रही है, स्नोबी भी मेरे साथ। ये बैग में है जो भी सामान मंगवाया था, वो शायद शाम तक बारिश गिरेगी। कल गाय बैल को सबको यहाँ पे बांध के रख दिया था, आज जो है ना घर पे लेके जाना पड़ेगा, फिर रात भर बारिश गिरने से तकलीफ होगी यहाँ पे रखने से। चाय बनाई है, चाय पी के फिर से जाऊंगा काम करने के लिए, साथ में बारिश भी रुक गई है। यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखता है, देख लो। इसलिए ये फेंसिंग रखा हुआ है, यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। चाय और साथ में ये फ्राई की है लीची। अंकल आंटी अंकल मार्केट जाते टाइम लाया है, वो थोड़ा सा हम लोगों को भी दिया हुआ है। कौन है पापड़ हमको पता ही नहीं।
कब से वो लीची लीची बोल रहा था, उनको दिया नहीं ये, अभी वो लेके चले गई है खुद। नमो मंजार जीता काम करने के लिए जाऊंगा सोचा था लेकिन जा नहीं पाया है। अभी भी बारिश गिर रही है तो मैं गया नहीं है। सिंची की सिस्टर जाके आ गई है थोड़ा सा दान लगा के, नहीं गया नहीं है। हाँ उसने आज शायद 3 बार या 4 बार ऐसा किया है। चार बार तो थोड़ा सा बारिश रुकती है फिर आ जाती है, थोड़ा सा रुकती है फिर आ जाती है। आज ऐसा दिन भर रहा है। अच्छा से दम भी नहीं लगाने के लिए नहीं मिलता है। तो अभी ये कुछ रामपाम है या मीमी रामपाम बनाई है। देखो। अच्छा है रंपाम। बस बारिश गिरते टाइम ये सब खाते रहना चाहिए। नहाया भी नहीं है मैं, मैंने दूसरा ये टी शर्ट लगा लिया है। अभी बारिश में दिखने का मन नहीं है इसलिए गया नहीं है। थोड़ा सा बचा हुआ है वहाँ का बनाने के लिए, लगाने के लिए तो बहुत ज़्यादा बाकी है, आधा तो और भी बाकी है, लेकिन मिट्टी प्लान करने के लिए अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। कल तो ख़त्म हो जाएगा प्लान करने से। मार्केट जाने के लिए भी सोच रहा था जाऊँगा कि नहीं। सिंची और उनकी सिस्टर मुझे जाओ जाओ बोल रही है, लेकिन घर पे कुछ भी नहीं है बोल के, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है कि बहुत दूर है यहाँ से। ये सब रामपाम थोड़ा सा सब्जी अंकल से मंगवाया है। यहाँ का रास्ता खराब हो गया, यहाँ से भी जा नहीं सकते। एक यहाँ से रास्ता है, वहाँ पे एक छोटा नदी है, वो भी पानी बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक ऊपर से रास्ता है जो गाड़ी का रास्ता है ना वो है, तो वहाँ से घूम के जाने के लिए थोड़ा दूर है, आधा घंटा लग जाएगा। जाने का मन नहीं है बारिश के टाइम, दुकान में भी बस ऐसा है, घर पे रहने का मन कर रहा है। उनका मोबाइल खराब हो गई है तो हमारी मोबाइल देख रही है, वो नेटवर्क मिलती नहीं है उनका मोबाइल, तो वो भी नेक्स्ट मंथ नया लेने वाली है। हाँ अच्छा अच्छा ये महीना लास्ट को 2025 जैसा। गरम गरम अच्छा है। पानी गरम कर दिया है नहाने के लिए, आज पानी गरम से नहाऊंगा। कल जो है ना पानी बिना गरम किए नहा लिया था, क्योंकि कल डायरेक्ट में खेत से आके नहा लिया था तो पूरा भीग गया था बारिश में, उनकी वजह से नहा पाया था, लेकिन आज भीगा नहीं है तो आज नहा नहीं पाऊंगा पानी ठंडा से, इसलिए पानी गर्म कर रहा हूँ। लकड़ी ख़त्म हो गया है, अभी थोड़ा सा लकड़ी घर के अंदर रख देता हूँ, पूरा भीग गया है देख लो। बस उस साइड का थोड़ा सूखा हुआ है, नहीं तो ऊपर का जो है ना पूरा बिक गया है। सिंचे आ जाइए, सिंची भी नहाने वाली है, कल भी वो नहाने वाली थी मैंने मना कर दिया बारिश गिरने की वजह से। नहीं ये थोड़ा लकड़ी में घर के अंदर रख देता हूँ, थोड़ा सूखा हुआ दून के
जाओ जल्दी से। वहाँ साइड का है का? नहीं 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 जो पीछे का वहाँ जो नीचे का है ना वो सूखा है। हाँ तो नहीं वो बस अभी हो गया। अभी थोड़ा सा अदरक निकाल लेता हूँ सब्जी पकाने के लिए। अदरक और साथ में ये पूरा पानी भर गया है लॉन्ग बीन्स के अंदर में। देखो ये यहाँ पे पूरा पानी भर गया है, शायद मर जाएगा अभी। ये रेत रेत हो रहा है। परसों जो है ना बहुत बारिश गिरी है, उनकी वजह से ज़्यादा पानी हो गया था, अभी थोड़ा कम हो गया है। ये सब थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ बोल करके खाने के लिए। ये भी खाने के लिए हुआ नहीं, ये बुद्धा कॉर्न। यहाँ का टमाटर जो है ना एक भी अच्छा हुआ नहीं, ये एक भी खा नहीं पाया है। ओहो ज़्यादा घास हो गया है। अच्छा धूप देने का टाइम, ये सब ये बुद्धा जो है ना खाद के फेंकना पड़ेगा और ये सब घास निकालना पड़ेगा, ज़्यादा हो गया है। अदरक यहाँ का जो है ना निकल के खा के ख़त्म कर दिया। वहाँ पे है क्या लग गया, नहा लेता हूँ अभी। मैं भी शाम हो गया है, नहाने से पहले मीट भी थोड़ा सा मंगवाया है तो वो मैं पीस कर लेता हूँ। आज भी हम लोग मीट खाने वाले हैं तो मीट जो है ना पीस करके बनाने के लिए रेडी करके नहाने के लिए चला जाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सबको गुड नाइट।